एक हाजी था, हज पे जाया करता था और उसके अंदर यह था कि मैंने इस बार सबसे पहले हज करना है। एक रात का रास्ता था, वो चल पड़ा, दोपहरी को चला कि एक दो बजे मैं ही पहुंचूंगा सबसे पहले हज वाले दिन। वो चला चला चला, एक जगह पहुंचा, रात हो आई, अचानक कुत्ते के रोने की आवाज आई। कराह रहा था कुत्ता, दर्द से चिल्ला रहा था। फकीर ने ध्यान से सुना, जिधर से आवाज आ रही थी वहां पहुंचा तो क्या देखा, वहां से कोई बैलगाड़ी गुजरी होगी या घोड़ा गाड़ी गुजरी होगी और बाई चांस कुत्ता उसके नीचे आ गया और वो जख्मी हो पड़ा, खून बह रहा है। फकीर से रहा नहीं गया, उसने अपनी गोद में उठा लिया। कहते हैं जब हाजी हज करने जाते हैं छोटा सा धब्बा भी कपड़ों पे नहीं रहने देते, पर उसने तो गोद उठा लिया, खून लग गया। उसने कोई परवाह नहीं की, सोचा भी नहीं, उसने देखा इधर उधर तो पास में कुआं था, भाग के वहां गया। मुसाफा बड़ी पगड़ी पहना करते थे बड़ी सी, तो वो उसने पानी में नीचे लटकाई, पानी तक नहीं पहुंची। उसने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं मिला। बंजर बियाबान, पानी जरूर है, कुत्ता रो रहा है, कर रहा है। उसने अपना कुर्ता उतारा, यानी पजामा उतारा, नाड़ा अलग खोला, सब कुछ बिल्कुल नग्न हो गया तो पानी तक पहुंच गया। कपड़ा पानी में भिगोया, बाहर निकाला, उसके मुंह में निचोड़ा, कुत्ता शांत हो गया। जो चिल्ला रहा था, कर्रा रहा था, तो उसने गोद में उसको पुचकारा, बहलाया, तो वो प्यार में ही दम तोड़ गया, क्योंकि वो तो मरने वाला था, लेकिन आखिरी समय में वो शांत खुश होके गया। अब फकीर ने अपनी तरफ निगाह मारी, कपड़े फट गए हैं, खून से लथपथ हैं। कहने लगा, मेरे मालिक, हे हज वाले, तू यही मंजूर करना। और वहीं वो लेट गया। अभी लेटा ही था, अचानक ही प्रकाश का पुंज आया, आवाज आई, हे फकीर, तेरा हज सच में और सबसे पहले मैं कबूल करता हूं, मंजूर करता हूं। जिसके दिल में मेरी औलाद के लिए इतना दर्द है, उसका हज घर बैठे हो जाता है। तो भाई, ये है इंसानियत, ये है मानवता। पर लोग क्या देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, धीरे से देखा, अपना तो नहीं कोई, और एक्सीलेटर दबा देते और भाग जाते हैं। ये क्या इंसानियत है, इससे तो पशु अच्छे हैं। पशु जिस झुंड में किसी के चोट लग जाए छोड़ के नहीं भागते, अपनी जीभ से लिपा पोती करते, उनका उपचार करते, हमने देखा है। तो इंसान इंसानियत ना छोड़े, राम का नाम जपता रहे, तो यकीनन उसके अंदर बाहर खुशियों से वो आनंद आएगा, वो लज्जत आएगी, जो अरबों रुपए से भी एक पल की खरीदी नहीं जा सकती।